तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के शो में हम आपको बताने वाले हैं लाडली बहना जो 16वीं किस्सा जो उसका जारी होने वाला है, उसका डेट जहां पर आपको हम बताने वाले हैं। तो यहां पर जो कितना जारी होगा आपके मन में अभी भी सवाल है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कई लोगों का मन में सवाल है कि पिछले बार यहां पर जो है 250 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया था, यानी कि 1500 रुपये जो 15वीं किस्त आपको मिला होगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो 16वीं किस्त जारी होने वाला है उसको लेकर कई लोगों का मन में डाउट है। तो दोस्तों यहाँ पर 1250 मिलेंगे या फिर 1500 रुपये मिलेंगे या फिर सरकार की तरफ से यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। और तो जैसे कि आपको पता होगा हाल में यहाँ पर गणेश चतुर्थी या फिर तीज का त्यौहार है, तो आपको यहाँ पर बोनस भी मिल सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। तो लाडली बहना की जो 16वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही, जिसका किस्त यहाँ पर 15 किस्त जो है लगातार सरकार ने यहाँ पर महिलाओं के खाते में डाल दिया है। लेकिन वर्तमान में जो 16वीं किस्त का इंतजार का पैसा भी नहीं आया है। बताते चले मध्य प्रदेश सरकार जो मोहन यादव माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर किस्तों के जो है विवरण, यानी कि उनकी या लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तों का लगातार जो ट्रांसफ़र जो 15 किस्त है वो पैसा यहाँ पर महिलाओं के खाते में डाल चुका है। लेकिन अभी भी अब महिलाएं 16वीं किस्त का यानी कि इंतजार कर रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हाल में ही कई सारे त्यौहार हैं आगे, तो आपको बताने वाले हैं विस्तार से। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको हम समझा पाएंगे। तो लाडली बहना योजना के तहत 16वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त के बारे में आपको बताते हैं। तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तों के माध्यम से आपको पैसा दिया जाता है। तो 15 किस्त आपको देख सकते हैं, 15 किस्त आपको यहाँ मिला होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं यहाँ पर 16वीं किस्त आपको फिर से कितना मिलेगा और कब मिलेगा, जैसे कि हम आपको बताएं थंबनेल में भी कि कब मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले चाहती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहन यादव की तरफ से जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री है, उनको यहाँ पर उनके इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में यहाँ पर लगातार जो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा इस किस्त का पहले 1000, फिर यहाँ पर बढ़कर 1250, अब यहाँ पर रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये और यहाँ पर दिया, जिसके यहाँ पर 15 किस्त 1500 रुपये डला था। लेकिन 16वीं किस्त कब आएगा, ये आपके मन में अगर सवाल है तो वीडियो में बने रहना है। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना के लिए लगातार योजना के अंतर्गत लाभ यानी कि लाभ यहाँ पर किस्तों का माध्यम से पहुँचा जा रहा है। लेकिन उसी प्रकार जो 16वीं किस्त को लेकर इंतजार कर रही जो भी विवाहित महिला हैं या फिर इसमें आवेदन किए हैं, उनको एक काफ़ी अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, खुशखबरी है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 16वीं किस्त का पैसा 10 सितंबर यानी कि आपको लिए खुशखबरी है, 10 सितंबर को या फिर जैसे कि आपको पता आने वाले में गणेश चतुर्थी या फिर तीज का त्यौहार भी है, तो आपको 10 सितंबर या फिर उससे पहले आपके खाते में जो है आपका 16वीं किस्त 1500 रुपये, माना जा रहा है कि जो 16वीं किस्त है वो फिर से 1500 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो आगे इसके इस बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि 10 सितंबर या फिर उससे पहले भी आपको किस्तों के माध्यम से जो किस्त 16वीं किस्त आपको मिल सकता है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 सितंबर या फिर उससे पहले जो मिल सकता है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से जो डेट यानी कि तारीख इस दिन आएगा उस डेट का यहाँ पर ऐलान नहीं किया है। तो दोस्तों लाडली बहना की जो 16वीं किस्त कितना पैसा मिलेगा ये आपको हम क्लियर करवा देते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर खुद स्वयं कहा है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो भी पात्र महिलाएँ हैं, विवाहित महिलाएँ हैं, जिनको 15 किस्त लगातार अभी तक मिल गया है, उनके लिए आपको बताया चले इस योजना का पैसा जो है लगातार बढ़ते बढ़ते जाएगा और 3000 रुपये प्रति माह तक किया जाएगा। जो 15वीं किस्त महिलाओं को यहाँ पर 1250 मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं 15वीं किस्त आपको 1500 मिला है, 1250 में 250 रुपये ऐड करके आपको दिया है जो कि खाते में डल चुका है। इसी प्रकार हाल में ही ऐलान के मुताबिक आपको बता दें 16वीं किस्त का जब ऐलान के मुताबिक सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 16वीं किस्त फिर से 1500 रुपये डलने की यहाँ पर जो है गुंजाइश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है फिर से जो महिलाओं बहनाओं को, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अभी 1500 रुपये पिछली किस्त मिले था उसके यहाँ पर अब कम करने की यहाँ पर उम्मीद नहीं किया जा रहा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 16वीं किस्त आपको फिर से 1500 रुपये सरकार की तरफ से माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से 1500 रुपये आपकी फिर से 16वीं किस्त की राशि आपको मिल सकती है दोस्तों। तो अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको डेट को जैसे ही आपको डोट या डेट आपको जारी होता है या फिर सरकार की तरफ से कोई और अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।